ये है सुनियों का नारा आला हजरत है हमारा, ये है सुनियों का नारा। अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मुबारकबाद के काबिल हैं आप हजरात, रात के 12:30 बजे के बाद का वक्त है। फर्श ज़मीन पर बैठ कर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बतों के नारे बुलंद फरमा रहे हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि रब करीम तू बेहतर जानता है, एक अल्लाह के वली के उर्स में हम सब लोग हाजिर हुए हैं। मौला जो जिस नीयत के साथ हाजिर हुआ है, अल्लाह उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। क्या हुआ भैया? अब हम बोल रहे हैं, बोला बोला बुलंद आवाज से कलमा शरीफ का विर्द करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बैठ जाओ, संभाल के बैठ जाओ, टूट जाएगी। आप लोग ठीक है ना? सब लोग अच्छे हैं? मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे बोलो जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल में मुस्कुरा के बातें करता है। मुस्कुरा के बोलें या रसूल अल्लाह। सुनेंगे थोड़ी देर, जाएंगे उठक बैठक तो नहीं करेंगे, 10 मिनट सुन लेना बस, हम तकरीर आप चाहेंगे तो खत्म कर देंगे। और ये बड़ी सोनी महफिल है, पंजाबी समझते हैं? अच्छा, बड़ी प्यारी महफिल है। दावत है क्या है भैया? हैं? थोड़ा बैठे जाए बाबू, बैठ जाए बेटा, बैठ जाओ, बैठ बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बस कैमरा बहुत लगा कर लो यार, बंद कर लो। अच्छा, दुरूद पाक पढ़ के सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह।
नकीब आजम हिंदुस्तान जनाब भाई सैयद वारिस चिश्ती साहब क़िबला, बहुत खूबसूरत लबो लहजे में आप हजरात को कुछ अशार सुना रहे थे, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हजरत को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। कुछ समझ में आ रहे थे हजरत के शेर, कुछ के सरों से उतर रहे थे, कुछ के समझ में आ रहे थे। बहरहाल कोई बात नहीं, इसको जैसे समझ में आया। मिंबर नूर पे इस इलाके की एक से एक कद्दावर शख्सियत जलवाबार है। मैं किसी के भी असमा से वाकिफ नहीं हूँ, बिल्कुल नया हूँ। पहला इत्तफाक है इस इलाके में आने का। ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपका प्यार है कि आपके प्यार की दावत जनाब भाई शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी के जरिए मुझ तक पहुँची। मैं हाजिर हुआ। बैठ जाएं, कुछ लेके जाएं बाबू, जब आए हैं तो जलसे में बैठ जाएं। बहुत अच्छा लगा, हमारे भाई ने नारे बुलंद किए, बहुत अच्छा लगा। है वो चले गए दोनों हैं माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है, सुनियो, मुबारकबाद के काबिल हैं आप लोग। हम लोग एक तरफा नहीं हैं, हम आल वाले भी हैं और हम असहाब वाले भी हैं। ये कोई और होगा, हम अपने कभी कभी यूपी में अपने इंडिया में कहते हैं कि उनका चेहरा बिगड़ जाता है, मगर अल्लाह का फजल है, सुन्नी का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। नारा लगाया, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह खूब तरक्की उसे नवाजे मौला। मिंबर नूर पे हमारे जिम्मेदार उलमा जलवाबार हैं। दुआ करता हूँ मौला इन सबको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा, ताकि लंबे जमाने तक ये दीन की खिदमतें करते रहें। अहबाब ने फरमाइश की है, मैं अपने पीर मुर्शिद हुजूर ताजु शरिया अली रहमा के कलम से निकले हुए दो तीन शेर पढ़ देता हूँ। अच्छा, पहचान रहे ताजु शरिया को, जान रहे हैं सच्ची? अरे माशाल्लाह, जरा हाथ उठा के बोले कौन कौन जान रहे हैं माशाल्लाह। अब सुने, एक बात बताऊं मैं आपको। उस जात का नाम ताजु शरिया है। एक मरतबा जब हुजूर ताजु शरिया हयात थे ना, उस वक्त की बात करने लगा हूं मैं। हमारे इलाके में साबिर पाक आराम फरमा है कलियर शरीफ में, तो हजरत के दरबार में एक खुसूसी मीटिंग थी। उस इलाके के बड़े बड़े जिम्मेदार उलमा बैठे थे, एक मजजूब बुजुर्ग तवज्जो, जिनका ना थूक इधर से उधर बह रहा है, बालों में ना गर्द गुब्बार है, कपड़े मैले कुचैले हैं। वो उलमा के दरमियान से ऐसे निकलते हैं और लबों पे मुस्कुराहट है। मुस्कुरा के कहते हैं, तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं, और शायद इस जुमले की मेरे उलमा कदर करेंगे, सुने मोहब्बत के साथ। वो मुस्कुरा के कहते हैं कि तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? सारे के सारे उलमा हैरत भरी निगाहों से उनकी तरफ देखते हैं। बोले, हुजूर आप बता दीजिए कौन है। मुस्कुराते जाते और कहते जाते हैं, अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना, तो शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, फैजाने औलियाए कामिलीन, माशाल्लाह उर्से मुकद्दस। तो मैंने ना इसलिए भी मेरी सोच थी कि अल्लाह के वली के उर्स में हम लोग हाजिर हुए, आप भी हाजिर हुए, तो क्यों ना फिर एक अल्लाह के वली के कलम से निकले हुए दो तीन शेर आप तक पहुंचा दूं, अच्छा लगेगा। बस भैया, बस बस बस, अल्लाह आपके प्यार को सलामत रखे। ये मत लाया करो यार, समझ रहे ना, क्यों चढ़ाया जाता है, समझ रहे, इशारे की जबान को समझ लिया करो यार, चढ़ाया जाता है, हम पे क्यों चढ़ा रहे हो, पहनाओ ना यार प्यार में, गुलाब लाया करो, जाने दो यार, फिर लाना है ना। दाग फुरकते तैबा, दाग फुरकते तैबा, कल्ब मुज़्मिल जाता, दाग फुरकते तैबा,
قلب مزمحل جاتا داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا کہ داغ فرقت مزمحل جاتا کاش گنبد خزرا کاش گنبد خزرا دیکھنے کاش گنبد خزرا کاش گنبد خزرا دیکھنے کیا ہو جاتا آواز کم آ رہی ذرا بولے بس بس سب نے سب کو نہیں بولنا ہے سب کو نہیں بولنا صرف وہ بولے جو دیکھنا چاہتا ہوں جو مدینہ جانا چاہتا ہوں سب کو نہیں بولنا اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون جانا چاہتا ہے کاش گنبد خضرا دیکھنے ہاتھ اٹھا کے لہرا کے پڑھ لو کاش گنبد خضرا دیکھنے نوجوانوں میں جانتا ہوں یار پچاس پچاس ہزار کے موبائل پینٹوں کی بھیا وہیں کریں پلیز وہیں کریں ایک جگہ روک دیں کیونکہ ہم بھی ترنم والے ہیں بہت اچھا مائک ہے آپ کا سنیں محبت کے ساتھ پچاس پچاس ہزار کے موبائل پینٹوں کی جیبوں میں ڈالنے کے بعد گلی کوچوں میں گانے تو روز گاتے ہو کبھی نبی کی محفل میں بیٹھ کے نبی کی نعت کے ترانے بھی گنگنایا کرو زبانیں کھولو میرے ساتھ پیار میں بولو کاش دے خضرا دیکھنے کو مل جاتا آپ کے نیپال میں بڑے بڑے خوبصورت پہاڑ ہے کوئی نیپال کے پہاڑوں کو دیکھتا ہے بڑی تعریف کرتا ہے کوئی ہمارے تاج محل کو دیکھتا ہے بڑی تعریف کرتا ہے کوئی لال قلعے کی دیواروں کو دیکھتا ہے بڑی تعریف کرتا ہے مگر میں نے کہا یار ادھر ادھر کی تعریف کرنے والے ابھی تو نے حسنین کے نانا کا مدینہ دیکھا ہی نہیں کاش اگر مدینہ ایک بار دیکھ لیا ہوتا تو بار 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 یہی کہتا ربا دنیا میں کچھ نہ دکھانا مگر مولا مرنے سے پہلے ایک بار مدینے کا دیدار کرا دینا پھر میرے ساتھ بولو کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا پیار میں پڑھیے کاش گنبد خضرا مل جاتا اب شیر سنیں کہ دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر کہ دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آس چائے پلا لو یار چائے پلاؤ ہمیں پلاؤ چائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عرس مقدس عرس مقدس عرس گدالی عرس رحام علی عرس بہار علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کہ دم میرا نکل جاتا سنیں سنیں غور سے سنیں کہ دم میرا نکل جاتا مسکرا کے نا مسکرا کے مسکرا کے سنیں کہ دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر کہ دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کے ان کے آستانے کے
अरे खाक में मैं मिल जा उनके आस्ताने के। नारा जो भी लगाए खड़े होकर लगाना है। उनके आस्ताने के खाक में मैं मिल जाता। बोले दम दम कहने हैं मुफ्ती साहब जिंदाबाद। फिर बोले काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। नौजवानों यार कोई देखे या ना देखे मगर जहरा का बाबा मदीने से मुझे भी आपको भी देख रहे हैं। फिर आका को दिखाने के लिए आका को मनाने के लिए जरा प्यार में बोलो काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अब एक शेर सुने कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में। कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में और मौत से गले मिल कर अरे जिंदगी मिल जाता। मौत से गले तकबीर नारे रिसालत उर्से मुकद्दस। तवज्जो है हाँ फिर प्यार में पढ़े ताश गुंबदे खजरा। एक बच्चा भी खामोश न रहे हाथ उठा के पढ़ो मेरे साथ ताश गुंबदे खजरा। आप भी पढ़ लीजिए ताश गुंबदे खजरा देखने हाथ उठना चाहिए ताश गुंबदे खजरा या रसूल अल्लाह। ताश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। एक शेर और कि फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे। कि फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे। अरे कोहो पर पहाड़ पर कोहो पर अगर पड़ते कोहो भी तो हिल जाता। कोहो पर अगर पड़ते कोहो भी तो हिल जाता। पढ़िए मेरे साथ काश गुंबदे खजरा मुस्कुरा के पढ़ने यार मुस्कुरा के पढ़ने काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। आओ इसी प्यार के माहौल में जब बात मदीने की चली है तसव्वुर की दुनिया में पहुंच करते हैं मेरे आका के शहर की तरफ। उनकी औलाद मिंबरे नूर पे बैठी है सैयद वारिस चिश्ती की निकाबत हो रही है। सुनो मेरे दोस्तों आओ आलम तसव्वुर में मदीने की तरफ पहुंच करते हैं। मेरे आका का शहर है मेरे आका का मदीना है बड़ा मीठा मदीना है। एक बार जो देख के आता है बार बार दुआ करता है अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। आओ नौजवानों नेपाल के जिंदा दिल लोगों रात के एक बजे इधर बैठकर अपने नबी के नारे लगाने वालों नबी के असहाब के नारे बुलंद करने वालों मेरे दोस्तों चलो चलो इधर नबी के प्यार में बैठे हैं प्यार की दुनिया में कूच करते हैं। मेरे करीम आका का शहर है जाने कायनात का हसीन मदीना है। इसी मदीने में मेरे आका से प्यार करने वाली ज़ईफ़ा है मेरे आका से मोहब्बत करने
वाली एक बूढ़ी औरत है, आका का कलमा पढ़ती है, आका के गीत गाती है, आका से मोहब्बत करती है, जाने कायनात से प्यार करती है। एक दिन फजर की नमाज के बाद का टाइम है, तवज्जो है आप लोगों की, एक दिन फजर की नमाज के बाद का वक्त है, एक दिन फजर की नमाज के बाद का टाइम है। मेरे दोस्तों आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, ज़ईफा परेशान है, मस्जिद नबी के गेट के सामने आके खड़ी होगी, तवज्जो से जुमले जुमले फिसल ना पाए, मस्जिद नबी के गेट के सामने खड़ी है वो मस्जिद नबी जिसे मेरे करीम नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था। नेपाल के जिंदा दिल लोगों, मेरे दोस्तों अहबाबो सुनो तवज्जो के साथ, जब मदीने की याद आती है, मदीने की बहारों को सुनते हैं तो फिर अंदर से दिल कहता है, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहां जैसी रौनक नबी के मदीने में है, कोई जन्नत कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहां जैसी रौनक नबी के मदीने में है, और फूलों में गुल कहते फूलों को, और फूलों में पसीने से खुशबू कहां जैसे खुशबू नबी के पसीने, और गुलों में पसीने से खुशबू। बाबू बाबू ये पैर थोड़ा पीछे करें, बस अदब के साथ, और गुलों में पसीने से खुशबू कहां जैसे खुशबू, मुस्कुरा के बोले क्या है, नबी के पसीने में है। चलो फिर मस्जिद नबी के गेट की तरफ चलते हैं, जाने कायनात से प्यार करने वाली मोहब्बत करने वाली ज़ईफा, फजर की नमाज के बाद का टाइम है। कौन सा फजर? ए बेटा, ए बाबू, ए कहां जाने लगा, बैठ बैठ, जलसा खराब करने लगा यार, अजीब रंग है, जाओ ना फिर सब चले जाओ एक बार। मैंने कहा 10 लोग बैठो, बस 10 बैठो, मगर सुनने वाले बैठो, अफरा तफरी ना करो, मुझे हो गया 20 मिनट हो गए, बोलो तो खत्म कर दे, बोलो खत्म करें तकरीर, किस बोले तो सुन लो ना, फिर मैं खुद अपना मेरी कैफियत कुछ अलग होती है यार, जब हसनैन के नानक में बातें करने लगता हूँ मेरा कुछ अंदाज अलग होता है, मेरी खुद की कैफियत अलग हो जाती है, थोड़ा सा रंग लाओ ना यार, उधर जरा प्यार की बातें सुन लो, हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, मुकम्मल हाथ उठाए, एक भी नीचे न रहे, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनो मेरे करीम नबी से प्यार करने वाली ज़ईफा है, आका से मोहब्बत करने वाली ज़ईफा है, मेरे आका के गीत गाने वाली ज़ईफा है, आंखें अश्कबार हैं, दिल बेकरार है, आका की मोहब्बत में परेशान है, मस्जिद नबी के गेट पे खड़ी है, फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। लोगों मस्जिद नबी के गेट को तवज्जो से ख्याल करें, मस्जिद नबी के गेट को हसरत भरी निगाहों से देख रही है, हसरत भरी निगाहों से देख रही है, ऐसे लगता है, ऐसे लगता है जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है। थोड़ी देर गुजरी, तवज्जो से, थोड़ी देर गुजरी, थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा ज़ईफा सामने खड़ी है, अंदाज ऐसा है जैसे किसी का इंतजार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है, जैसे कि किसी के इंतजार में खड़ी है, क्या देखा थोड़ी देर गुजरी, सामने से एक जुमला समझे, सामने से एक महजबी आ गया, और आसान की लेता हूं, सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया, अरे कोई और नहीं, सामने से आमना का चांद आ गया,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुने मेरे दोस्तों, मेरे करीम नबी तशरीफ ले आए, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, जब अपने घर में किसी का इंतकाल हो जाता है, अपने भाई का, अपने बाबा का, अपनी माँ का जब इंतकाल हो जाता है, टेलीफोन का जमाना है, जब अहबाब को फोन करते हैं, रिश्तेदारों को फोन करते हैं, अपने दोस्तों अहबाब रिश्तेदार जब घर में एंट्री करते हैं तो अपनों को देख के ज्यादा रोना आता है। हमारे यूपी में कहते हैं हिड़किया बन जाती है, समझते हैं इधर, हिड़किया बन जाती है, ज्यादा रोना आता है। मगर मैं कहता हूँ सारे रिश्तेदारों का प्यार एक तरफ, सारे दोस्तों अहबाब का प्यार है एक तरफ, आमना के चांद की मोहब्बत जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी शाबाश भाई बैठे हैं कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। सुनने के बाद दिल चाहता है नबी के प्यार में जान दे दे यार। जुल्फ देखी है के नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद किया था, नारे तकबीर लुट गया, नारे रिसालत उर्से मुकद्दस जिंदाबाद, फिर बोल दो यार प्यार में बोल दो, लुट गया इतना तो बोलो ना, लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है, अपने चेहरे को छुपाना ना मेरे आका, बात मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है, अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद अदा देखी है। ओ नौजवानों सुनो तवज्जो से मेरे जुमले, अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया मेरे करीमा का जाने कायनात हसनैन के नाना मस्जिद नबवी के गेट पे आ गए, ज़ईफा की हिड़किया बन गई, ज्यादा रोना आ गया, मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया, ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या, इधर देखे इधर देखे बाबू इधर देखे, तेरे रोने की सबब क्या है, तेरे रोने की वजह क्या है, जाने कायनात की बारगाह में अर्ज कर दी है या रसूल अल्लाह जिस कबीले से मैं आती हूँ, जो मेरा कबीला है, जो मेरा खानदान है, या रसूल अल्लाह सारे के सारे आपके मुखालिफ है, सारे के सारे आपके दुश्मन है, या आका जी आप जानते हैं जब से मैंने कलमा पढ़ा है सारे मुखालिफ हो गए, सारे खानदान वाले दुश्मन हो गए, या रसूल अल्लाह मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी का एक चराग था, मेरी जिंदगी का एक सहारा था, मेरी जिंदगी का एक चराग था, मेरा एक लख्त जिगर था, मेरा एक नूरे नजर था, मेरा एक इकलौता बेटा था, या रसूल अल्लाह आज फजर की नमाज के बाद आका जी मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मेरे बेटे को मौत आ गई, आका मौत आ गई, मेरे आका ने फरमाया ज़ईफा मौत पर हक है, मौत आनी है, या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है मौत पर हक है। नौजवानों सुने जुमले सुने, आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है मौत पर हक है, मौत आनी है, मगर आका बात ये नहीं है, या रसूल अल्लाह मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, सारा खानदान आपको गालियां देता है, सारा खानदान आपको बुरा भला कहता है, आका
जी। जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, नौजवानों सुने, जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बेटे को मौत आ गई, या रसूल अल्लाह सारे के सारे खानदान वाले आ गए। आने के बाद कहते हैं, ओ ज़ईफा, ओ बुढ़िया, तू मोहम्मद अरबी के गीत गाती है, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, देख मोहम्मद के खुदा ने, तवज्जो, मोहम्मद के खुदा ने तेरे बेटे की जिंदगी को ना बचाया। जुमले गौर से सुने, मोहम्मद के खुदा ने तेरे बेटे की जिंदगी को ना बचाया, हमारे बुतों ने, हमारे बुतों ने, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। या रसूल अल्लाह, कबीले वालों ने ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी 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 कर दिया है। अल्लाह 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 अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मेरे करीम आका ने फरमाया, चेहरे खिल जाएंगे, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता, तवज्जो, ओ ज़ईफा ये बता, तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। कब बोलोगे यार, कब बोलोगे यार? ताना देने वाले ताना दे रहे हैं, हसनैन के नाना के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता, तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। बुढ़िया आगे आगे, जाने कायनात पीछे पीछे। ज़ईफा अपने घर पे पहुंची, पूरी तवज्जो है ना, अभी तो लगा ना यार कि कुछ जलसा हो रहा है, अभी तो आप एक रंग में है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला सबके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। सुने मोहब्बत के साथ, ज़ईफा अपने घर में, तवज्जो है, ज़ईफा आगे आगे, जाने कायनात पीछे पीछे। ज़ईफा अपने घर में पहुंची, मेरे करीम आका ने, हाय हाय हाय, जाने कायनात ने इस घर में एंट्री की, सारे कबीले वाले सारे के सारे मुखालिफ आ गए। तवज्जो है, सारे के सारे मुखालिफ इधर आ गए, इसलिए कि मोहम्मद अरबी बुढ़िया के घर पे तशरीफ ले आए। सारे मजाक बनाने के लिए आ गए। सुनो नौजवानों, सुनो तवज्जो से जुमले सुनो, मेरे करीम आका जाने कायनात ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता, तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। आका की तरफ इशारा करती है, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे की लाश उधर है, मेरे बच्चे की लाश कोने में है। इधर देखें, एक बड़े से कपड़े से ढांप कर, तवज्जो है, बड़े से कपड़े से ढांप कर ज़ईफा के बेटे की लाश कोने में रखी है, उधर कोने में रखी है। मेरे आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। इधर देखें, इधर देखें, नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। बैठा लो अब्बा जी को, बैठा लो, बाबा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बढ़े करम करम माशाल्लाह। मेरी घड़ी के हिसाब से 35 मिनट हो गए, बोलें कि खत्म करें, बोलें, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने अपने नाजुक, अब्बा जी को निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, सही फार में निकाल, निकाल, आराम से, आराम से, आराम से, कोई बात नहीं बाबा, आराम से, आराम से भाई, कमजोर आदमी, नहीं हम इतने जलाली भी नहीं हैं। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, बीच मजमे से एक शख्स खड़ा हुआ, मौलवी साहब की नजर उधर पड़ी, जलाल में आए तकरीर करते, हट हट, बैठ जा, बैठ गए। थोड़ी देर के बाद फिर खड़े हुआ, मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई, फिर जलाल में बोले, फिर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद फिर उठा, फिर मौलवी साहब ने डांट दिया, तकरीर मुकम्मल हो गई, सब अपने घर जाने लगे, वो उधर ही बैठा है। बाद में बोले, मौलवी साहब बीच बीच में बहुत जल्दी जल्दी जा रहे, तो हो क्या गया?
कहने लगे हजरत हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया। तो भाई क्यों परेशान हो, किसी को कोई हाजत है तो हम मना भी नहीं करते। इसलिए हमने मुल्क भर में ऐलान किया है कि जलसे वाकई 1 बजे तक ही होने चाहिए। चलिए बहरहाल आपकी मोहब्बत है भाई, आप लोगों ने पैसा भी खर्च किया है तो कुछ ना कुछ ले जाओ यार, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक मिट्टी में अभी शिरकत की हमने तकरीबन 2 महीने पहले, तो एक हाजी साहब से तकरीबन 60 साल की उम्र का, मैंने पूछा बाबा ये बताओ जब मिट्टी देते कब्र में तो पढ़ते क्या है। बोले हजरत सबको याद है, कोई नई बात थोड़ी है। बोले बताओ, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। कलमा भी ठीक नहीं था, मैं ऐसे बिल्कुल जैसे वो पढ़ रहे थे वैसे बता रहा हूँ। इसलिए उलमा की कदर करनी चाहिए, इन उलमा के जरिए तुम तक दीन पहुंचा। ये सच्ची बात करने लगा हूं, तुम्हें गुसल का तरीका भी ना होता, वजू का तरीका भी याद ना होता अगर ये उलमा की नूरानी जमात ना होती। ऐसी जैसे मैं कह रहा हूँ, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा दादाजी ये नहीं पढ़ते हैं। बोले और क्या पढ़ते हैं। मैंने कहा मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारातन उखरा। तो कहने लगा मौलाना नई बातें ना करो, हमने 365 मुर्दे इसी कलमे को पढ़ के दफन कर दिया, आज तक अपनी कब्र से उठकर नहीं भागा। तो इसलिए भाई जरूरत है, अफरा तफरी का माहौल नहीं मेरे भाइयों, सीखने सिखाने की जगह है। मैं सरकार का बड़ा प्यारा सा मौजजा बयान करने लगा हूँ, कुछ इंशाल्लाह कुछ बातें आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, और सुन ले मोहब्बत के साथ। अल्लाह आपको खूब तरक्की से नवाजे। जितने इधर बैठ के नबी के नाम पे नारे बुलंद कर रहे हैं, अल्लाह सबको सबको करोड़पति बना दे, सबके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और जितने खामोश बैठे हैं मौला लखपति तौफीक अता फरमाए। क्या बात कही है यार, इतने सोने सोने बच्चे हैं यार इधर। बस मैं यही तो चाहता हूँ यार, नौजवानों में होना ये जज्बा ना, नौजवानों में होना चाहिए, बूढ़ों का मामला तो। बहरहाल ऐसे भी मुखालिफत, और ये अल्लाह का बड़ा फजल है कि जन्नत में बूढ़ा एक भी नहीं जाएगा, सब जवान जाएंगे, एक भी बूढ़ा नहीं जाएगा। इसलिए हौसला चाहिए, मगर नाराज मत हो, बूढ़े सोच रहे होंगे काहे मौलवी को अमरोहा से बुलाया है, सारे बूढ़ों का बायकॉट, जवान ही जाएंगे सब, मगर आप लोगों पे अल्लाह का फजल हो जाएगा, सब जवान हो जाओगे, जन्नत में जाने से पहले जवान कर दिए जाओ। अब आई लबों पे मुस्कुराहट, नहीं तो मुरझा गया था चेहरा, घबराइए ना इंशाल्लाह, जन्नत में जाने से पहले, जन्नत में कोई नहीं जाएगा बूढ़ा, सब जवान रहेंगे, सब हट्टे कट्टे रहेंगे, मौत कभी नहीं आएगी। अच्छा आदमी की एक फितरत होती है, वो कहता है कि मैं मुझे मौत कभी ना आए, है ना, और मैं हमेशा खूबसूरत रहूं। ये दुनिया में तो नहीं हो सकता ना, ये जन्नत में हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपको तरक्की से नवाजे। सुने मोहब्बत के साथ, लाइट लग रही, नीचे रख दीजिए, हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुने मोहब्बत के साथ, चलिए उस तरफ चलते हैं फिर। जाने कायनात ने मेरे करीम आका ने जैसे ही अपने कदमों को आगे बढ़ाया, इधर देखें सारा कबीला खड़ा है, सारे खानदान वाले खड़े हैं, बूढ़े भी खड़े हैं, बुढ़िए भी खड़ी हैं, जवान भी खड़े हैं, बच्चे भी इधर खड़े हैं, सारे के सारे इस मंजर को देख रहे हैं। जाने कायनात ने मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, इधर देखे जब मजा आएगा। मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। अल्लाह, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपकी समझ में अब भी ना आया। आया थोड़ा बोले सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, जब मेरे आका ने फरमाया तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है, आका की बारगाह में अर्ज कर दी है या रसूल अल्लाह मेरे बेटे का जनाजा कोने में रखा है, मेरे बेटे की लाश उधर रखी है। मेरे आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, सारा कबीला देख रहा है, सारा खानदान खड़ा है, आसमान की बुलंदी गवाह है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है। जब मेरे आका ने अपने कदमों को, तवज्जो से जुमले नोट करें, जब मेरे आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, तवज्जो पैर पकड़ के हिलाया, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, पैर पकड़ के हिलाया, मेरे आका ने कदमों को आगे बढ़ाया, उधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर बच्चे का नाम लेके पुकारा, इधर पैर पकड़ के हिलाया,
आया, उधर नाम लेके पुकारा। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लगा दो नारे यार, तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल, नारे रिसालत, अजमत रसूल, इख्तियारात रसूल, खानदान रसूल, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला रज़ावी। सुने नौजवानों सुने, मेरे करीम आका ने अपने नाजुक, इधर देख, इधर 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 इधर, मेरे आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम, अब तो मुस्कुरा के बोलना है ना यार, पता चले जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं मेरा नबी कैसा पावरफुल है, कैसी शानों वाला है। सुने और सीने पे हाथ मार के कहे, सीना चौड़ा करके कहे, सुने मेरे करीम आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा, देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, पीछे वाले भी बोल दो, खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर हम दिल खोल के बोले, सीना चौड़ा करके बोले, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, हाथ उठा के बोलो, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। आप इसी से इसी कड़ी से जोड़ देते हैं मेरे दोस्तों, अहबाब की फरमाइश है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, अल्लामा अब्दुल हक, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखियार में लिखते हैं, एक हदीस नकल फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया, कसम कसम काबे के रब की, तवज्जो भैया बाबू 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 भैया 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 भाई बैठ जाइए, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, बस प्लीज मेरे भाई हो यार, अपने हो यार, मेरे कोई बात नहीं, नाराज नहीं होना डांटने पर, तुम मेरे अपने हो यार, आपस बोले सुभान अल्लाह। खैर मैं जानता हूँ कि दलीले वलीले तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं रखती, माना उलमा ही जान सकते हैं, तुम्हारे तो सरों से उतर जाती है, मगर नहीं कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ये भी कह सकता हूँ, सुननी ना, इधर सुन्नी को कोई दलीलों की जरूरत नहीं होती है, सारी दलीलें एक तरफ, हम आमना के चांद से वैसे ही प्यार करते हैं। सुने मोहब्बत के साथ नौजवानों, बड़ी जिम्मेदार मोतबर कुतुब के मैंने आपको हवाले दिए हैं, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखियार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब, मानोगे नहीं खाओगे, चलिए खाइए कोई बात नहीं, खाएं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, क्या कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अल्लाह 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 अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, और शाबाश भाई, अल्लाह का बड़ा एहसान है, सीना चौड़ा करके कहता हूँ, ये सरकार का नसबनामा अपनी इंडिया में सबसे पहले अगर पढ़ा है तो आप तो बेहतर जानते हैं, शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है, और आपका एहसान है, अभी जगह हम दिल्ली में तकरीर कर रहे हैं सैयद साहब, तो ऐसे एक नबी की औलाद, नबी का बेटा इधर बैठे थे ना, मुझे मालूम भी नहीं था कि सैयद ज़ादे हैं, मुझसे कहने लगे हजरत सरकार का शजरा पढ़ दे, मैंने पढ़ दिया जैसे अहबाब ने आज फरमाइश की, फिर बोले हजरत एक बार और पढ़ दे, मैंने फिर पढ़ दिया, फिर बोले हजरत एक बार और पढ़ दे, मैंने फिर पढ़ दिया, पढ़ने के बाद जैसे हम इधर से तकरीर मुकम्मल करने के बाद स्टेज से निकले, तो ऐसे ना ऐसे देखो ऐसे ऐसे बाहों में ले लिया, और बाहों में लेकर मेरे कान में बोले कि हजरत इसका बदला तो कल कयामत में अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह से दिलाते, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यही जुमले
कि इसका बदला तो कल कयामत में अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह से दिला दूं। रब का फजल है खुद अवैस करनी रहमतुल्लाह ताला के दरबार से यमन तवज्जो है यमन के बॉर्डर से खुद वहां के दामों ने मुझे मुबारकबाद दी है। और अभी तकरीबन चार महीने पहले मैं अहमदाबाद गुजरात में तकरीर करने के लिए चला गया। वहां पे एक दीवाना ए रसूल उठा और जब सरकार का नूरानी शतरा सुना, सरकार का नसबनामा सुना ना, खड़े होकर उमरे का टिकट दे दिया। मैंने कहा मेरा अपना कोई वजूद ही नहीं है, मेरा अपना कोई वजूद ही नहीं है, मेरी कोई बात ही नहीं है, सब ये सरकार की नालायने पाक का सदका है और अल्लाह का बड़ा एहसान है। सुने मोहब्बत के साथ वो सरकार का नूरानी शिजरा मैं अब तक पहुंचाने लगा हूं। अब कुछ जमातें ऐसी हैं वो हर जगह हैं। मैं जब मैंने सरकार का मिलाद बयान किया ना हजरत, तो अपना हैदराबाद शहबाज भाई एक शख्स खड़ा हो गया, खड़ा होकर कहने लगे मौलाना यार नबी के वालिदैन का बार बार जिक्र कर रहे हो, नबी के वालिदैन का बार बार जिक्र कर रहे हो, नबी के अब्बू, नबी की अम्मी, तवज्जो। बोले हजरत उन दोनों तो नबी का जमाना ही नहीं देखा। तवज्जो से गौर से जुमले सुनो, ऐसे ही बोले उन लोगों ने तो दोनों ने जमाना, सरकार के वालिदैन ने तो नबी का जमाना ही नहीं देखा। मैंने कहा कौन सी बात करने लगे हो यार, तवज्जो है। हाँ हाँ, मैंने कहा कौन सी, बोले वो गौर से सुने, वो जब आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया था ना, जब आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया था 40 साल में ना, तो उस वक्त नबी के अब्बू भी मौजूद नहीं थे, नबी की अम्मी भी मौजूद नहीं थी। ज़हन हाजिर है आपका? मैंने कहा बात तो ठीक है। बोले हजरत जब दोनों नहीं तो कलमा नहीं पढ़ा। मैंने कहा सीधी बात बता कहना क्या चाहता है। बोले हजरत जी जब कलमा नहीं पढ़ा तो कुफर की हालत में दुनिया से गए। मैंने कहा माज़ अल्लाह तो नबी के वालिदैन को जहन्नमी साबित करता है, नबी के माँ बाप को तो जहन्नमी बताता है। मैंने कहा सुन हम सुन्नी दलील देते हैं तू जहन्नमी बताता है, हम सुन्नी तुझे जन्नती होने की दलीलें देते हैं। वाह वाह वाह, तवज्जो है। हम सुन्नी तुझे जन्नती होने की दलीलें देते हैं। इधर ख्याल करें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, तवज्जो है, मछली ने निगल लिया, मछली के पेट में 40 दिन आराम फरमाया। कितने दिन आप इधर देखेंगे, देखिए हमारा प्रशासन वो अपनी ड्यूटी निभा रहा, आप मुझे देखें। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया, मछली के पेट में कितने दिन रहे, 40 दिन। ऐसी जवाब दे, 40 दिन। उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदार जुमला मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। अल्लाह को इस मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह को इस मछली पे प्यार आ गया। मैंने हैदराबाद में बैठकर ये दलील दी, सुने। मैंने कहा सुनना दान, अल्लाह को इस मछली पे प्यार आ गया इसलिए कि नबी ने मछली के पेट में 40 दिन अपने कदमों को रख दिया। अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। कितने दिन, कितने दिन, 40 दिन अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। मैंने कहा सुन्ना दान, अबे मछली के पेट में नबी कदम रख दे सिर्फ 40 दिन मछली जन्नती। मैंने कहा अब ये बता मछली बड़ी के माँ बड़ी, अल्लाह सलामत रखे, समझ रहे हैं मेरी बात को। सुने मैंने कहा अब बता मछली बड़ी के माँ बड़ी। कहने लगा हजरत जी माँ तो माँ है। मैंने कहा माँ है ना, बोले जी हाँ। मतलब सुन 40 दिन कदम रख दे मछली के पेट में अल्लाह का नबी अल्लाह का पैगंबर मछली जन्नती, मछली जहन करीब करें मछली जन्नती। मैंने कहा नादान फिर वो सैयदा वो तैयबा वो ताहिरा वो पाकिज़ा मेरे नबी की प्यारी प्यारी माँ सैयदा आमना का क्या मकाम होगा। अरे जो 40 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने सैयदा के शिकम में अपने कदम। अल्लाह तवज्जो है, 40 दिन नहीं बल्कि रसूलों के सुल्तान ने रसूलों के इमाम ने तवज्जो है
हाँ सैयदा के शिकम में एक दो दिन नहीं है बल्कि पूरे नौ महीने अपने कदमों को फैलाया है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की जान सुन्नियत की शान कौम से पठान इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं बड़े प्यार में लिखते हैं बड़े प्यार में लिखते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे बाला वो बाला हमारा नबी कौन देता है देने को मूंछा ये देने वाला है सच्चा हमारा नबी हमारा नबी। मैंने कहा बे नादान मछली के पेट में नबी कदम 40 दिन रख दे जन्नती सैयदा के शिकम में रसूलों का सुल्तान रसूलों का इमाम रसूलों का रसूल सैयदा के शिकम ने 9 महीने अपने कदमों को फैलाया। फिर जरा ये बता वो सैयदा कितनी बड़ी जन्नती वाह वाह वाह। हजरत जी सर झुका के बैठ गया कान पकड़ के बोला गलती हो गई। मैंने कहा अभी तो माँ की बात है बाप की ओर करते हैं। बोले यार मैंने कहा अभी तो सैयदा की बात है चलना बाप की बात और करते हैं। मेरे करीम नबी के वालिदे गिरामी तवज्जो है हजरत अब्दुल्ला क्या नाम है आपके दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवज्जो है। हाँ नबी तो बहुत दिनों के बाद तशरीफ लाए मैं अभी पिछली बात करने लगा हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ बेटे का जन्म हुआ सरकार के तवज्जो सरकार के वालिद का जन्म हुआ सरकार के वालिद अभी लगाना सरकार के वालिद का जन्म हुआ सरकार के दादा के घर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पे मेरे नबी के बाबा हजरत अब्दुल्ला का जन्म हुआ। आका के दादा ने नाम रख दिया अब्दुल्ला आए हाय अभी नबी नहीं आए नाम रख दिया अब्दुल्ला सरकार के दादा ने नाम अब्दुल्ला रख के कयामत तक के इन जालिमों जाबिरों मुनाफिकों को बता दिया अबे मैं भी ये खुदा के मानने वाला मेरा बेटा अब्दुल्ला भी ये खुदा के मानने नारे तकबीर चाचा ने नारा बहुत अच्छा लगा है यार इनकी तरफ से पूरी कमेटी वालों की तरफ से ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे बता दो मुझे बता दो ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे नबी के इश्क में जल से कराना हम न छोड़ेंगे। सुनो नौजवानों सुनो तवज्जो से आओ प्यार के जुमले मैं आपको देने लगा हूं। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की इधर ख्याल करें कसम काबे के रब की अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया हजरत आदम से मेरे बाप तक मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अच्छा नेपाल वालों एक चैलेंज आ रहा है इंडिया से आकर मैं चैलेंज देने लगा हूँ। इधर जितने बैठे हैं ना उलमा को छोड़ जितने इधर बैठे हैं अपने नबी के पांच दादाओं के नाम बता दो कितने दादा परदादा लकड़दादा सकड़दादा अकड़दादा ऐसी बोलते हैं इधर हमारे यूपी में बोलते हैं क्या बोलते हैं आपके इधर दादा परदादा लकड़दादा सकड़दादा अकड़दादा ऊपर तक फहरिस्त है पांच दादाओं के कितने पांच पांच दादाओं के बस नहीं ना अरे सरकार के दादाओं के पांच के क्या नाम याद होंगे। मैंने एक जगह पूछा बताओ और कान इस्लाम कितने हैं एक नौजवान तीन जगह से पेंट इधर से फटी तीन जगह से इधर से खड़ा होकर बोले हजरत मेरी याद है। मैंने मुस्कुरा के पूछा बाबू बताओ ना कौन कौन से बोले हजरत मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ
ये तकरीर है भी मेरी नेट पे, बीच में खड़ा है मेरा मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम पांच, कितने मगर तवज्जो नहीं याद है आपको। नंबर एक कलमाए तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज रोजा हज ज़कात, कितने हो गए हम पर पांच, अपने नबी पे चार, हम पे अरकान इस्लाम पांच, जाने कायनात पे चार, कितने नबी पर चार, तवज्जो है हाँ नबी पर चार, मगर इंतजार करो बाद में बताएंगे, पहले सरकार के नसबनामे की तरफ। इंतजार में मजा आता है ना, थोड़ा इंतजार करें तब अच्छा लगेगा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहि सलाम। अब कोई भी अपनी अपनी जबान में कुछ भी बोले, मगर हमारा हक है कि हम अपनी जबान में ये कहते हैं, दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान हजरत, सब बोले हजरते, मुस्कुरा के बोले हजरते आदम अलैहिस्सलाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयसर हुआ, अब ये नूर मुंतकिल होता है, अब ये नूर जुदा होता है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते अनवर से जुदा होने के बाद ये नूर किसे किसे मिलता है, वो सारे पवित्र नाम, सारे प्यारे नाम, सारे सोने सोने नाम मैं आपको बताए देता हूँ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, आदम के बेटे शीस हैं, काउंटिंग करो। दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम तवज्जो से गौर से सुने, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुलहाद, जुलहाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारीख। कब 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 मेरे मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे, बोले ना यार। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे जुलहा, जुलहा के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियासा, अलियासा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिब, खालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दमनाफ, अब्दमनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मजमे से चारों तरफ से नारे लगने चाहिए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, लगाइए नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर दाता इरशाद, फैजाने हुजूर दाता बहार इरशाद, ताजू शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, बस्ती बस्ती, करिया करिया, इल्म का सूरज, फैज का दरिया, पूरा मजमा कौन बना मेहमाने काबा, नारे तकबीर, नारे हैदरी,
नारा पंज तली सौ लख नारा हैदरी गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर मन कुंतो मौला मेरे नबी ने बोला मैं जिसका मौला है उसका मौला दम मस्त कलंदर मेरे नबी ने बोला हम किसके नौकर हम तेरे नौकर। बच्चों की फरमाइश खड़े रहिए। फिर अहबाब ने फरमाइश की अबे यार नबी के नाम पे तो फरिश्ते खड़े हो जाते हैं। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम मैं दोबारा पढ़ने लगा हूँ, अहबाब की फरमाइश है। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, अब तो मुस्कुरा के सुनना, ऐसे नहीं सुनना भाई। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, मुझे देखे महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुलहात, जुलहात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिरा, के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे हवाम, हवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम मेरे नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे आवाज आनी चाहिए अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मद। तभी तो हम कहते हैं कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, क्या मोहम्मद हमारे। फिर जी लगा के बोल दो नबी जी हमारे, बैठ जाओ मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। ओ मेरे भाइयों, जो जो इधर बैठे हैं यार, हाथ में चैन ना पहना करो, ये मना है, निकाल दो ना यार अभी बाबू। हाँ नबी देख रहे हैं, चैन की घड़ी से नमाज मकरूह तहरीमी होती नहीं है। जब घड़ी तो जरूरत की है, उससे नहीं हो तो फिर इससे कैसे हो जाएगी। अंगूठी एक पहना करो, मगर अजब अजब रंग है ना यार, गलों में देखो तो बकरे जैसी कई बच्चों के जंजीरें नजर आ रही हैं। अल्लाह ने मर्द बनाया है ना यार, मर्द बन के रहो, देखो ना कई के बकरे जैसी जंजीरें हैं, मोटा जैसा कड़ा है हाथ में ना, लेडीज जैसी अजीब रंग है यार। अब बदला है दौर हैदर भाई, बदला है दौर अभी, और बदल के ना माँ बहनों ने ऐसे जैसे उतार के ना जेबो जीनत जो थी फेंक दिए, भाई खड़े हो गए, लाज हम बचाएंगे। अजीब रंग है यार, जिसके देखो कान भी छिदा है, ये भी पहना है, इधर भी पहना, मैंने कहा ना बोल बची इसे और छिदवा ले, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया, निकालो ना यार, निकालो बाबू, गलत है तरीका यार, चैन है आपके हाथ गले में, अल्लाह के रसूल देख रहे हैं यार, हमारा ईमान अकीदा है ना। हाँ फिर बोले मोहम्मद हमारे, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता, मेरा रब, तवज्जो है, मेरा रब आपका रब, कौन रब, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह वो अल्लाह सूरज को चमकाने वाला, बुलंद आवाज से बोले अल्लाह अल्लाह करे, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, जमीन से पौधों को उगाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, प्यार में बोलना, समंदरों को चलाने वाला, माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चे की गिजा का इंतजाम करने वाला, डॉक्टर कहता है, मेडिकल साइंस कहता है, बड़ी सी पिन्नी के अंदर जब माँ के शिकम से बच्चा बाहर आ जाए, एक पिन्नी में रखने के बाद बाहर से टेप लगा के बंद कर दो, 2 घंटे के बाद बच्चा जिंदा नहीं रह सकता, मर जाएगा, मगर मेरा रब 9 महीने एक झिल्ली, नाजुक सी झिल्ली के अंदर पैक है, बंद है, उस बंद कोठरी में जिंदा सांसों को चुलाने वाला,
तवज्जो, सांसों को चलाने वाला 9 महीने तक माँ के शिकम में मुझे और आपको गिजा देने वाला अल्लाह। मेरे दोस्तों, मक्खी के मुंह में, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। यार सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, अन्नबी यू औला बिल मुमिनीन मिन अंफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। कितने करीब हैं? जानों से भी, जानों से भी ज्यादा करीब है नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। तवज्जो, बिल्कुल ब्रेक लगाएं। मैंने जब कहा ना जानों से भी ज्यादा करीब है अली हैदर भाई, ये इन्हीं की मोहब्बतें हैं, इनकी दावत, आप लोगों की दावत इनके जरिए मुझ तक पहुंची, अल्लाह सलामत रखे। सुने कितने करीब है? जानों से, जान से भी ज्यादा। एक बड़ा मियां खड़े हो गए बीच मजमे से, शाबाश भाई, कहने लगे मौलाना ये कौन सी बात है, जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? ज़हन हाज़िर है आपका? बिल्कुल, प्यारा सा नुक्ता दे रहा हूँ, सुने। बड़ा मियां कहने लगे 60 साल की उम्र है, बोले हजरत जी जब नबी जान से ज्यादा करीब है दिखाई क्यों नहीं पड़ते? मैंने कहा चाचा कितनी हो गई? बोले हजरत 60 के पार है, 60 के पार है। मैंने सच्ची बताना कि तुम्हारे जिस्म में जान है? कहने लगे मौलाना अगर मेरे जिस्म में जान ना होती तो मैं चलता फिरता कैसे? मेरे जिस्म में जान ना होती तो मैं चलता फिरता कैसे? मतलब सच्ची बात, जान है, मतलब सच बताना, 60 साल की उम्र हो गई, आज तक अपनी जान को देखा है? मैंने कहा अपनी जान को देखा है? जान को देखा है? कहने लगे हजरत जान को तो नहीं देखा। मैंने कहा देखो, काली, पीली, नीली, गोरी, जान है अपनी है ना? बोले हाँ मेरी है हजरत। मतलब 60 साल की हो गई आज तक? अच्छा आप बताओ है जिस्म में, आपके जिस्म में जान है? सच्ची बताना, देखी है? नहीं देखी ना? मैंने कहा कितनी हो गई? बोले 60 के पार। मैंने कहा अपनी, मतलब जो अपनी अपनी देखी है? बोले जी नहीं देखी। चाचा जी कितने नादान हो, अपनी जान आज तक नहीं, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए, तभी तो इमाम आशिका क़िबलाए दिलो जान इमाम अहमद रज़ा खां फाजिले बरेलवी कलम उठाते लिखते अल्लाह की सरताप कदम शान है ये इंसान ही इंसान वो इंसान है ये के कुरान तो ईमान है बताता है और ईमान ये कहता है मेरी जान। अच्छा जी, अच्छा 1.5 घंटा हो गया, घूर घूर के तो नहीं देख रहे? अच्छा लग रहा है? कभी कभी ऐसा होता मौलवी थोड़ा आगे बढ़ जाता, कुछ घूर घूर के देखते हैं, हटेगा कब, हटेगा कब, ऐसा तो नहीं है? सच्ची बात है ना? सुनना चाहते हैं आप लोग? पक्का? अच्छा होश में हैं? होश में हैं? हाथ उठा के बताइए जरा, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? मैंने 2 बार पूछा यार, होश में? सारी दुनिया आपके चेहरे को देखकर, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। दूसरी आयत में मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, फइन अल्लाह हुवा मौला हुवा जिब्रील वसालिहुल मुमिनीन, अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला। अभी नहीं समझ में आएगी, अब आएगी। मौला का तर्जुमा, मौला का माना, रहनाजिर है, मौला का माना हम अपनी किताबों से नहीं, दूसरों की किताबों से,
जब दूसरे इस मौला का तर्जुमा करते हैं वो कहते हैं मौला का माना मदद करने वाला, मदद करने वाला। अल्लाह भी मौला कोई ऐतराज नहीं, जिब्रील भी मौला कोई ऐतराज नहीं, मगर वो सालिहुल मुमिनीन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। अब इधर हम दरबार में हाजिर हुए हैं बाबा गदा शाह रहमतुल्लाह तआला के दरबार में, दूसरे बुजुर्ग का क्या नाम है, बहरहाल हम इस आस्थाने पे हाजिर हुए हैं जो तीन बुजुर्ग आराम फरमाए, क्या ये अल्लाह के नेक बंदे नहीं है, बोलिए हम इसी लिए तो हाजिर हुए हैं। अब पकड़ के कुरान की आयत दिखा देना और कह देना है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा और बदले का जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। रब ऐलान फरमाता है वह सालिहुल मुमिनीन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। अच्छा मैं जिस शहर से आता हूँ तवज्जो, मेरे शहर का नाम है अमरोहा, अमरोहा यूपी में आता है। मेरे शहर में एक बुजुर्ग आराम आराम फरमा सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाह वालों की बात है, ये बाफैज दास्ताना आस्ताना है। जैसे कि मुझे हमारे यहाँ के उलमा ने बताया कि बहुत बाफैज बुजुर्ग हैं, यहाँ हजरत जो भी आता है वो मुरादों से झोलिया भर के भर के जो है। हाँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस शहर से आता हूँ, मेरे शहर में एक बुजुर्ग आराम फरमा सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत, 750 साल का जमाना हो गया। कितना? 750 साल, शायद हो सकता है उलमा ने सुना हो या कुछ लोग गए हो। कितने साल का जमाना? 750 साल का। हजरत ने उस जमाने में उस वक्त में कहा था मेरे मजार पे सांप रहे बिच्छू रहे मगर कयामत आ जाएगी किसी को डंक नहीं मारेंगे। आज भी अमरोहा में आइए आप, मैं दावत देता हूँ आपको, अगर मौका मिले तो शहर अमरोहा आ जाइए, बिच्छू को उठा के हाथ पे रख लीजिए, सांप को उठा के हाथ पे रख लीजिए, आज भी अमरोहा शरीफ आप तशरीफ लाएं, बिच्छू सांप उठाइए हाथ पर रखिए, नेट का जमाना है, आप यूट्यूब के जरिए किसी से नेट पे निकलवाएं, देखा है। हाँ आज भी मेरे शहर अमरोहा में बाबा शरफुद्दीन की ये करामत जिंदा है, उठा के हाथ पे रख लीजिए, डंक नहीं मारेगा, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, क्यों? इसलिए कि एक अल्लाह के वली की जबान है यार, ये बताने लगा हूँ कि अल्लाह के वली कैसे ये पावरफुल है, अल्लाह ने इसे इन्हें कैसा कमाल खूबी से नवाजा। 750 साल का जमाना गुजर गया, आज तक हुकूमत, हमने कहा अल्लाह का फजल है हमारे अकीदे में है, हमारे अकीदे में है। अब किसी के अकीदे में सुन्नियों से अलग हो तो कोई रोक के मच्छर को दिखाओ, खाली मच्छर को रोक के दिखाओ, मच्छर काटने रुक जाए काटने से। मेरे शहर में तो बाबा शरफुद्दीन 750 साल से सांपों को रोके बैठे हैं, बिच्छू को रोको बैठे हैं, और कोई हवाई बात नहीं करने लगा हूँ, मेरे साथ चलिए, सुबह हम चलेंगे, मेरे साथ चलिए। और सुनिए अमरोहा का नहीं, अमरोहा का बिच्छू नहीं, अपने नेपाल में, नेपाल में बिच्छू रहते हैं, बिच्छू अपने नेपाल का ले लीजिए, जितना खतरनाक बिच्छू हो आप उठा के मेरे साथ डब्बे में बंद करके चलिए, बाबा के आस्ताने में घुस जाओगे, काटना बंद हो जाएगा। और सुने बाबा के आस्ताने से उठा के ले आओ और कहना हजरत जी नेपाल लेके जा रहा हूँ बस 15 दिन के लिए। कितने? 15 दिन के लिए हजरत जी, ये आपकी अमानत है, 15 दिन के लिए लेके जा रहा हूँ, याद रखना 15 दिन कुछ नहीं कहेगा, अगर वादा खिलाफ हो गए 16वें दिन तो छोड़ेगा। हाँ फकीरों की झोली में, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढब कुछ, निगाहें वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर दे, दुनिया कुछ भी कहती रहे हमने जो देखा है वो सुने यार। अच्छा एक बात, अचानक मेरे बात एक जहन में आई, मजारों पे जाता कौन? अब्बासी खुलाफा में से एक खलीफा घोड़े पे बैठा, वो जमाना पुराना इतिहास में बताने लगा, जैसे हमने किताबों में पढ़ा पुराना इतिहास, घोड़े पे बैठा एक खलीफा,
तो ये पुराना जो दौर था ना, लंबा हजारों साल पुराने की बात करने लगा हूं। कितने साल पहले की, जरा बोले कितने साल पहले की, पुरानी बात करने लगा हूं। उस वक्त ये खलीफा घोड़े पे बैठा, काहे पे घोड़े पे बैठा, और एक शिकार करने, शिकारी जो कुत्ते होते हैं ना, वो कुत्ता साथ में लिया। नौजवानों सुने, शिकारी कुत्ता साथ में लिया, शिकार के लिए जंगल की तरफ चला गया। सामने एक हिरन नजर आया, क्या नजर आया, एक हिरन नजर आया। ये बहुत पुरानी बात बताने लगा हूं मैं आपको। तो ये खलीफा घोड़े पे बैठा और साथ में इसके शिकारी कुत्ता है, और इस कुत्ते को साथ में लेकर जंगल की तरफ निकला। इधर ख्याल करें, और जैसे जंगल की तरफ निकला तो एक हिरन सामने नजर आया, इसने कुत्ते को इशारा दिया कि पकड़ ले तेरा शिकार सामने। अब ये कुत्ता दौड़ा, तवज्जो है, कुत्ता दौड़ा किसके पीछे, हिरन के। जरा ध्यान हाजिर रखें, किसके पीछे। हम अल्हम्दुलिल्लाह बाबा के दरबार में आए हैं, आप भी आए हैं ना हजरत के दरबार में, आपकी भी हाजिरी है, हमारी भी हाजिरी है। एक अल्लाह के वली के आस्ताने पे आए हैं, एक अल्लाह के वली के दरबार में हाजिर हूँ मैं। किस लिए, फैज लेने के लिए। किस लिए, फैज लेने के लिए। अल्लाह के दरबार, अल्लाह के वली के दरबार से फैज हासिल करने के लिए आप भी आए, हम भी आए। गौर से सुने, सामने हिरण है, पीछे कुत्ता है, उसके पीछे घोड़े पे खलीफा है, घोड़े को एड़ लगाता दौड़ाता है। हिरन भाग रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, खलीफा इस पुश्त पे घोड़े की बैठे बैठे दौड़ा रहा है। जंगलों को उबूर करते करते, जंगलों को पार करते करते लंबा निकल गया। तवज्जो, लंबा निकला, एक जंगल में जा पहुंचा, अचानक एक मकाम आया, अचानक एक मकाम आया, उस मकाम पे जाके हिरन बैठ गया। अगर मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे तब मजा आएगा। हिरन बैठ गया, जब भाग रहा था मुंह आगे की तरफ, और जब ठहर गया तो मुंह कुत्ते की तरफ, किसकी तरफ, कुत्ते की तरफ, कुत्ते का मुंह हिरन की तरफ, हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ। खलीफा घोड़े पे बैठा ये मंजर को देख रहा है, और हिरन चिढ़ा रहा है। चिढ़ाना नेपाल में जानते हैं, हिरन चिढ़ा रहा है, इशारे इशारे में कह रहा, हिम्मत है तो अल्लाह 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 ले जाओ यार, कुछ इशारे में दे रहा हूं मैं आपको, दो नंबर डुप्लीकेट के लिए देने लगा हूं। हिरन कह रहा है, ओ कुत्ते, हाँ हिम्मत है तो, हिम्मत है तो आ। अच्छा, कभी कभी प्रैक्टिकली तौर पे आपको बताऊं, अपने महल्ले का बच्चा दूसरे महल्ले में चला जाए खेलने के लिए, उधर किसी महल्ले में बच्चे से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, हो ही जाता है बच्चों में, उधर झगड़ा हो गया। अब ये तेजी से दौड़ा दौड़ा अपने महल्ले में आया, उधर भाई मिल गया, बाबा मिल गया, चाचा मिल गया, उसके बाजू में खड़े होकर कहता, आना बोलो भाई, अपने बाबा के करीब खड़ा है, भाई के करीब खड़ा है, तो बच्चा क्या कहने लगा, आबा आ, हिम्मत है तो आ। उधर उसका बाबा यार, उसका भाई कैसे जाएगा, यही अंदाज है, हिरन चिल्ला रहा है, हिरन इशारा करता, हिम्मत हिम्मत है तो आ, मगर आगे नहीं जाता। हमने तसव्वुर की दुनिया में पूछा, हो कुत्ते जरा ये बता आगे क्यों नहीं जाता, बोले जी ना पाक बिल्कुल करीब करें। हमने कहा आगे क्यों नहीं जाता, बोले जी ना पाक हूं। हमने को हिरन जरा तू बता, बोले जी पाक हूं। ये खलीफा घोड़े पे बैठा इस नजारे को देख रहा है, अचानक एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, भवों के बाल सफेद हैं, दाढ़ी के सर के बाल सफेद हैं। आने वाला बुजुर्ग लंबी उम्र का महसूस होता है, सामने आते हैं। आने के बाद खलीफा, तवज्जो, खलीफा ने पूछा, यार पास समझ में नहीं आती, जरा मंजर देखो क्या मामला है। आने वाला बुजुर्ग कहता, मैंने कई मर्तबा इधर से इमाम अली रजा को आते जाते देखा था। और अगला जुमला सुने, मैंने इमाम अली रजा से पूछा, इधर कहां जाते हो, तो इमाम अली रजा ने बताया, इधर मेरे दादा अली का मजार है। इधर इमाम अली रजा ने बताया, इधर मेरे दादा, हाथ उठा के बोलो, इधर मेरे दादा अली का मजार है। मैंने कहा, ओ कुत्ते अब बता के क्यों नहीं जाता, अब समझ में आएगा, जहन हाजिर रखे। मैंने कहा क्यों नहीं जाता,
ना पाऊं। हमने कहा हिरन जरा तू बता तू उधर से क्यों नहीं जाता। बोले जी पाऊं, तवज्जो है, पाऊं हिरन नहीं जाता उधर से नहीं जाता, कुत्ता उधर को नहीं जाता। जहन करीब करें, हिरन उधर से नहीं जाता इसलिए कि पाक है, कुत्ता उधर को नहीं जाता इसलिए ना पाक है। और हमने फिर सवाल किया, ओ कुत्ते तवज्जो जहन हाजिर रखे, आगे क्यों नहीं जाता। तसव्वुर की दुनिया में जवाब आया, वो सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कई मजारों पे कुत्ते भी जाते हो। नहीं समझे, नहीं समझे यार, बाउंस कर दिया, नहीं समझे ना यार। हमने कहा वो कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता। तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आया, वो सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कई मजारों पे, कई मजारों पे, या बदल तो यूं कह दो, पता चला मजारों पे पाक, मजारों पे ना पाक। जिंदाबाद। अब झगड़ने की जरूरत नहीं है, बस फैसला करने ना। चले आगे बढ़े। मंजर फजाए तहर में सहरा अली का है, सहरा अली का है। मंजर फजाए तहर में सहरा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। आओ एक और अली के बेटे की बात करते हैं, सुने गौर से। जिसे दुनिया बड़े पीर के नाम से जानती है, दस्तगीर के नाम से जानती है, जब बुजुर्गों की महफिलें सजाई जाती हैं, किसी अल्लाह के वली के दरबार में जब ये महफिलें सजाई जाती हैं, तो फिर बगदाद वाले का जिक्र ना हो दिल ही नहीं मान। जो है ऐसे देख रहे हैं, ऐसे जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है, कैसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। अब फिर इधर सच्ची बात बताओ कि इधर बोलने वाले गौसे आजम के नाम पे जो बोलेंगे तो गौसे आजम के बगदाद से नहीं देखेंगे। जिसका इतना बड़ा फरमान कैसे देख रहा हूँ, जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। और ये भी तो है, मेरे गौसे आजम ने ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा की। कितने दिन तक? मिंबर नूर पे उलमा बैठे हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मेरे नबी के अलावा, मेरे नबी के अलावा, वजू करने के बाद टेक लगा के थोड़ी देर जबकि लगा दो, थोड़ा सा सो जाओ, वजू खत्म। पता चला गौसे आजम 40 साल तक कभी रात को सोई नहीं। 40 साल तक, और हमारा आपका क्या आलम, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। इधर देखो मक्कारियों के अड्डों पे देखो, अय्याशियों के अड्डों पे देखो, शराबों के अड्डों पे देखो, लोगों दुनिया चंद रोज आए। हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है, हमने उनकी कब्रों को फटे हुए देखा है, हमने उनकी कब्रों में हड्डियों को देखा है। बेनाम और निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। इसलिए अल्लाह और रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारो, नमाजों के करीब आओ, उलमा से मोहब्बत करो, कुरान की तिलावत करो। आज अजीब रंग है इस मोबाइल के दौर में, पूरी पूरी रात अय्याशियों के मनाजिर, पूरी पूरी रात गाने ड्रामे, और जब फजर की नमाज का वक्त होता है तो आज का नौजवान हमारा कुत्ते की तरह औंधा पड़ जाता है। जुमला कड़वा है मगर सच्चा, तुमसे तो वो बेहतर है, वो परिंदे बेहतर है जो रात को ईशा के वक्त हमने कभी पेड़ों पे बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। तुम्हें क्या हो गया? मेरे नबी ने फरमाया रात को जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी जल्दी उठ जाओ। तवज्जो है। अच्छा एक बात, एक बात ज़हन में आई, कुत्ता बकरी बच्चे किसके ज्यादा होते हैं? पक्का राइट, किसके ज्यादा होते हैं?
कुत्ता बकरा काटा जाता है, हलाल है ना। कितने बकरे बकरियां रोज इधर से उधर हो जाते हैं, बकरा ईद आती तो कितने इधर से उधर हो जाते हैं, कम होने चाहिए बच्चे ज्यादा कुत्ते के, मगर फिर भी कुत्ते कम। रोडों पे बकरियां, घरों में बकरियां ज्यादा नजर आ रहा, तवज्जो है, खाई जाती है ज्यादा, काटी जाती है, ज़िबा है, हम ज़िबा करके खाते हैं, हलाल है, मगर फिर भी कम नहीं। एक बुजुर्ग ने कहा बकरी पूरी रात सोती है, सुबह के वक्त बेदार हो जाती है, कुत्ता पूरी रात भौंकता है सुबह के वक्त। इसलिए मेरे दोस्तों जरूरत है अपने नबी की हदीस पे अमल करो, रात को जल्दी सो जाकर सो जाया करो, सुबह के वक्त जल्दी उठ जाए। बेचैनी तो नहीं हो रही अंदर से? जरा हाथ उठा के फिर नारा लगाए लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस एक कलाम सरकार, बस इस्तेतामी जुमले लास्ट करने लगाऊं, क्लोज करने लगाऊं। किताब का नाम बहजतुल असरार, मेरे गौसे आजम रजी अल्लाह तआला ने तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। अली हैदर भाई कितना मजमा? 70,000 का मजमा है। कितना? 70,000 का मजमा है। बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह तआला ने तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। इधर इधर ख्याल करें, 70,000 का मजमा है। मजमे में तकरीर सुनते 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 आपका एक मुरीद सो गया। क्या हो गया? अच्छा जी, ये इतना बड़ा मजमा छोटा है, 4-5 हज़ार का मजमा होगा, मगर इसी मजमे में 10 सो जाओ शाहबाज भाई पीछे, 10 सो जाओ, 10 हमें क्या मालूम कितने सो गए यार पीछे। हम आ रहे थे उधर रास्ते से निकल के, तो कई लोग सो रहे थे रास्ते में, हमने कहा दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना, खुदा जाने कहां देख रहा है। तवज्जो से ख्याल करें आप। अच्छा 10 सो जाएं इस महफिल में पता नहीं चले, मगर मेरे गौसे आजम ऐसे देख रहे हैं, 70,000 का मजमा है। गौसे आजम जब तकरीर फरमाते थे जिन्नात भी हाजिर होते थे, तवज्जो है, जिन्नात तकरीर सुनने के लिए हाजिर होते थे, इंसान भी बैठे हैं। और सरकार गौसे आजम के एक मुरीद शेख अबुल वफा, वो कहते हैं एक मर्तबा में आगे आके बैठे। अच्छा एक बात और भाई, 70,000 का मजमा, माइक का तो कोई वजूद ही नहीं था, माइक का कोई वजूद ही नहीं था। 70,000 के मजमे में बगैर माइक की आवाज कैसे जाती थी? पॉइंट है ना भाई, 70 हम 5,000 के मजमे में नहीं पहुंचा सकते बगैर माइक की। गौसे आजम 70,000 के मजमे में, गौसे आजम के मुरीद शेख साहब कहते हैं मैं आगे आके बैठा, बड़ी सोनी आवाज आ रही, बोले एक दिन मैं पीछे जाके बैठा, बोले दिल में ख्याल आया जा कैसे रही है पीछे। वो कहते हैं जब तकरीर हो रही हजरत की तो मैं एक दिन बीच में जाके बैठा, कहने लगे जो आगे आ रही थी उससे खूबसूरत बीच में आ रही। शेख साहब कहते एक दिन मैं पीछे की सफ में बैठा जाके, कहने लगे यार सबसे सोनी आवाज तो पीछे की तरफ आ रही है, पीछे की तरफ आ रही है। 70,000 का मजमा है, मेरे गौसे आजम का एक मुरीद तकरीर सुनते 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 सो गया। मेरे गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया बंद, आए हाय हाय, तकरीर को क्या कर दिया? बंद कर दिया। मुरीद सोने वाला बीच मजमे में सो रहा है, गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया बंद, कुर्सी को छोड़ा, ऐसे मिंबर से उतरे और जहां सोने वाला सो रहा था उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, किधर खड़े हैं? उसी के सामने सोने वाला मजे से सो रहा है। वलियों का ताजदार, वलियों का वली हाथ बांध के सामने खड़ा है। अच्छा हम तो उधर जाके खड़े हो जाएं, तब बोले यार मौलवी पागल हो गया, इधर आ गया, कितने बोल जाएंगे, मगर यहाँ किसी की जरूरत नहीं। तकरीर फरमा रहे थे, चील कोने पे बैठ के बोली, काए काए करने लगी, मत मत डिस्टर्ब। मेरे गौसे आजम ने फरमाया जलाल की नजर से देखा, जमीन पे गिर गई, ठंडी हो गई। तकरीर मुकम्मल, मुस्कुरा के बोले काम हो गया, तकरीर हो गई, अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाएंगे। उधर उड़ी फिर उधर,
मगर गौर से सुने, 70,000 का मजमा है, कुर्सी छोड़ दी, मिंबर छोड़ दिया, सामने जाके खड़े हो गए, मगर नेपाल के जिंदा दिल लोगों, नबी से प्यार करने वालों, अल्लाह के वली के आस्ताने पे आने वालों, गौसे आजम के प्यार के नारे लगाने वालों, सुनो तवज्जो से, उधर गौसे आजम खड़े हैं, जुर्रत किसी की नहीं, हिम्मत किसी की नहीं, ताकत किसी की नहीं कि कुछ बोले, सारे टिकटिकी बांध के गौसे आजम के मुखड़े का दीदार कर रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी, थोड़ी देर गुजरी, सोने वाला बेदार हो गया, हाय हाय, देखते ही पीर को खड़ा हो गया, तवज्जो है, देखते ही पीर को खड़ा हो गया, मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे मुरीद, ओ मेरे बेटे, जुमला इधर उधर न जाने पाए, फिसलने न पाए, कैच करें, मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे मुरीद, ओ मेरे बेटे, ये बता सोते 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 क्या देख रहा था, नाजिर आपका, सोते सोते क्या देख रहा था, मुरीद अर्ज करता है, हजरत अभी अभी आलम ख्वाब में, ख्वाब की दुनिया में मैंने अली को देखा, नबी को देखा, कब बोलोगे यार, कब बोलोगे, नजर लहक के बोल दो, मेरे गौसे आजम का मुरीद अर्ज करता है, हजरत जी मैंने अभी अभी किसे जरा बोले किसे किसे, अली को देखा, नबी को देखा, जमी बोली जमन बोला, अली मौला, अली मौला, सबा के साथ दिल बोला, मौला अली मौला, गौसे आजम ने फरमाया, बेटे ये तो देखा, मगर ये बता इससे आगे क्या देखा, बिल्कुल करीब करे ज़हन, ये तो देखा, मगर बेटे ये बता इससे आगे क्या देखा, मुरीद अर्ज करता, हजरत अब सुने सुने, हजरत मैंने ये देखा, मौला अली, तवज्जो तवज्जो, मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लख्त जिगर, देखो ना अपना नूरे नजर, अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है, एक बात बताओ, इधर इस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, इधर इधर कुर्सी पे तुम्हारा बेटा होता, भतीजा होता, भांजा होता, नवासा होता, वो तकरीर करता, तुम नहीं कहते यार देखो ना मेरा बेटा है, देखो ना मेरा नवासा है, देखो ना मेरा भतीजा है, यार अपनों का कुछ प्यार ही अलग होता है, मौला अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, देखो ना अपना लाल 70,000 का मजमा है, देखो ना अपना लख्ते जिगर, यार जितना बड़ा जुमला ना, इतना बड़ा तुमने कदर नहीं की, इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला, आज उठा के बोल दो ना सुभान अल्लाह, मौला अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, देखो ना अपना लख्ते जिगर, देखो ना अपना बेटा अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है, वाह वाह, बोले हुजूर मैंने तो ये देखा, मैंने तो ये देखा, मगर हजरत जी आप उधर से, समझ गए ना, आप उधर से इधर क्यों आ गए, आए आए, आप उधर से इधर क्यों आ गए, सुनो गौसे आजम की शान, अल्लाह के वलियों से प्यार करने वालों, अल्लाह के वली की महफिल में आने वालों, सुनो सुनो, जब मुरीद अर्ज करता, हजरत आप उधर से, अदरवाइज आप उधर से इधर क्यों आ गए, तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, जो तू सोते सोते देख रहा था, वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाजिर है, मेरे गौसे आजम ने फरमाया, जो तू सोते सोते देख रहा था, वो मैं कुर्सी पे, तभी तो मेरा इमाम अपने कलम को उठाता है, बड़े प्यार में लिखता है, वाह क्या अमल तबा है, वोस है बाला तेरा, सब पढ़ लो, मिल के पढ़ लो, वाह क्या अमल तबा है, वोस है, वाह क्या अमल तबा है, वोस है बाला तेरा,
ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा ऊंचे ऊंचो अल्लाह अल्लाह आपकी कमाई में बरकत अता फरमाए। अरे ये शायर तो लेता है, कहाँ देता है किसी को यार। बोल दो सुभान हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कीमती शायर है, अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे, मौला सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। वाह क्या मर तबाए गौस है बाला तेरा ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा वाह क्या मर तब से वाला तेरा अस्सलाम।